नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल देखा है, आज हम बात करेंगे कि अगर पुलिस आपसे किसी भी तरह की रिश्वत आपसे मांगती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है। अगर पुलिस आपसे रिश्वत मांगती है, सबसे पहले तो ये एक क्राइम है। आप इसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएँ, क्योंकि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही एक क्राइम है। लेकिन फिर भी अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई भी पुलिस वाला आपसे रिश्वत लेता है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको सिर्फ उसका नाम पता कर लेना है। आपका उसके हर पुलिस वाले के पे नेम प्लेट लिखी होती है, उस नेम प्लेट को लिख लेना है। उसके बाद अपने ज़िले के SSP को एक एप्लीकेशन देना है, जो आप एक सिंपल पेज पे भी बिना किसी की हेल्प के आप वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि पहले तो सेवा में श्रीमान SSP महोदय, उसके बाद जिस ज़िले में आप वहाँ रहते हैं वो ज़िले का नाम, विषय में लिखिए उस पुलिस वाले का नाम, और उससे लिखे कि उसके द्वारा रिश्वत लेने के संबंध में। महोदय के बाद जिस जो भी प्रकरण आपका हुआ है, उस प्रकरण में सारी चीज़ें लिख दीजिए, जो भी आपके साथ हुआ है, जितने रुपये की उसने डिमांड की है, वो लिख करके या तो आप बाई पोस्ट उसे सेंड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जाकर उनके ऑफिस में, सभी का अलग 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 डिस्ट्रिक्ट में सबका अलग अलग टाइम होता है। अगर मैं गाज़ियाबाद का एग्जांपल हूँ, तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम होता है, वो SSP से आप जाके कोई भी मिल सकता है। तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन दें, उसे रजिस्टर, उसे मतलब उसका रिसिप्ट और ले लें। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जब तक आप डरते रहेंगे तब तक इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता रहेगा। आप बिल्कुल डरे ना। और यही मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।